प्रातः क्लास चल रहा था, 4/12/1968 बुधवार को छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। मारवाड़ी में इतना पैदा कहां से हुआ, जब मुसलमानों का राज्य था तो स्त्रियां मुंह ढक के चलती थी, ऐसे चलती थी जो शिकल भी देखने में ना आए कोई भगा के न ले जाए। सिंध में ये रिवाज था, कोई ने अच्छी देखी और ये भगाई, इसलिए अपना शरीर ढक करके रखना। अभी क्या हुआ है देखो, साफ पेट मां भांजा ये सब खुला रहता है। बॉम्बे वाले की कोई भी आएगी उनको पहले पहले देखेंगे, यहां का अनपढ़ है तो ये पेट वेट सभी खुला हुआ होगा एकदम, समझे ना। तो ये बहुत खराबी है ना बच्चे। आगे जब ये पारसी लोग थे ना तो जो सोहनी सोहनी होती है पारसी भी होती है सोहनी, तो वो जब जाते थे घूमने मोटर में या कहां भी, मोटर तो आगे नहीं थी तो मुंह पर जाली लगाती थी और उनमें काला काला चिटका होता था, तो कोई को मुंह देखने में अच्छी तरह से नहीं आवे, क्योंकि ये दो आंखें हैं ना ये क्रिमिनल बनती जाती है। अभी सतयुग में होंगे देखो, ये आंखें मुख वगैरह बिल्कुल खुले रहते हैं, घूमते फिरते हैं, वहां कोई क्रिमिनल आई होगी क्या, एक की भी नहीं होगी बिल्कुल। यथा राजा रानी तथा प्रजा एक भी नहीं, और यहां यथा राजा रानी सो तो बादशाहों ने स्त्रियों की पिछाड़ी राज गंवाए लड़ाई कर करके, और ये हमको नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे। अरे सिंध में एक राजा था डाहर, समझे ना, उसका नाम था डाहर, फिर उनकी बच्चे के ऊपर मुसलमान जो राजा थे वहां का नवाब, उसने बोला ये बच्ची हमको दियो, बोला नहीं देंगे। वो माइया ने बोला हम नहीं नहीं जाएंगे इनके पास, फिर तुमको मालूम है क्या कराया था उनको, चोटी से वो घोड़े के पिछाड़ी में बांध करके वो रास्ते से उनको वो घोड़ा दौड़ाया, और वो बिचारी फतक फतक के मर गई, समझी। ये तुम हिस्ट्री ज्योग्राफियों में भी ये सभी कुछ है लिखा हुआ, राजा दाहिर की कथा। कोई स्त्री देखा कन्या देखी वो बस वो मस्त बन जाते थे, अरे लड़ाई लगती थी, राजा ही गुवाई देते थे। देखो राजा ही भी गुवाई देते हैं। आगे इन बच्चियों ने
कोई ने नहीं दिया तो राजा ही लड़ाई शुरू, समझे ना, कि वो ये मुसलमानों ने ये ताज बीबी फलानी बीबी, बहुत ऐसी लड़ाइयां हुई। तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी शायद अभी नहीं पढ़ते हो या क्या है, बाकी बाबा की तो हिस्ट्री पढ़ी हुई है। अभी बाबा और दादा का तो समझ लेना, गुप्त से ये बातें हैं वो समझाते हैं, अनुभव की ये बातें हैं बाबा के पास। चार बारह 1968 की प्रातः क्लास का सातवां पेज। तो बाबा जो बैठ करके तुमको वो अपना योग बल सिखलाते हैं, ये अनुभव यहां का बताते हैं। तो यहां दुनिया में क्या क्या गंध होता है, क्योंकि वो तो नहीं कहेंगे ये गंध होता है, नहीं, वो तो वहां ऊपर में रहते हैं ना बच्चे। बाबा कहते हैं मैं तो ऊपर में रहता हूं ना, मैं क्या जानू। तो ये सब बातें ये सुनाते हैं दुनियादारी की, मैं तो ये बातें नहीं जानता हूं। ऐसे नहीं समझो कि बाबा नॉलेज फुल है, जानी जाना नहार है, तो ये सब दुनिया भी बातें समझाते होंगे। नहीं, मैं नहीं ये बातें समझाता हूं, ये बाबा तुम्हारा समझाते हैं। मैं जो तुमको वही समझाता हूं, मन मना भव मध्याजी भव की बात है, और तुमको सृष्टि के चक्कर की बात है समझाते हैं, जो ये नहीं जानते हैं। और ये जो दुनिया का अनुभव पाते हैं, ये तो अपना अनुभव अलग बताते हैं। मैं अपनी तुमको शिक्षा अलग बताता हूं, समझा ना। मैं कोई ये सब दुनिया के इस कचरेपन, हाँ ये जानता है, ये जब बहुत धर्म की लानी होती है, बहुत गंध हो जाता है, तभी मेरा पार्ट है यहां आकर के तुमको रास्ता बताने का। बाकी आशीर्वाद कृपा ये वगैरह तो कुछ भी नहीं, तुमको हम पढ़ाते हैं, ये है ही पढ़ाई तुम्हारे लिए, कि मैं आता हूं, टीचर हूं, बाप भी हूं, तो टीचर भी हूं और गुरु भी हूं। अभी समझा, अच्छा बाप तो हूं, तो मेरे से जन्म तुम लेते हो, अच्छा फिर फट से मैं टीचर बन करके, और टीचर तो बनाना पढ़ना पढ़ाना चाहिए ना, तो मैं तुमको टीचर होकर के पढ़ाता हूं, उसमें आशीर्वाद कृपा वगैरह की दरकार ही नहीं है, अच्छा पढ़ाता हूं, फिर हूं तुम्हारा गुरु, क्योंकि ये पढ़ाए तो दिया टीचर ने तुमको, बन मना भव मध्याजी भव, ये पढ़ाई है, अच्छा फिर तुमको ले जाना वाला हूं, सच सच साथ में ले जाऊंगा, सदगति होती है ना, तुम्हारी इस पढ़ाई से सदगति होती है, तो मैं फिर तुमको साथ ले जाता हूं,
ये पक्का पक्का समझो कि मैं यहां आया ही हूं तुमको ले जाने के लिए। इसलिए ये पक्का जान लो कि शंकर की कोई बारात नहीं होती है, शंकर होता ही नहीं है, न कोई आंख तीसरी खोलेंगे और विनाश होगा, नहीं। बाकी शिव है और वो तुम्हारा है, उसकी बारात है, सभी आत्मा है ना, एक के पिछाड़ी बहुत जाते हैं, तो गोठ के पिछाड़ी गोट जाते हैं ना, वो जो ब्राइड ग्रूम होते हैं उनके पास ब्राइड्स जाती है ना, तो तुम भी हैं भक्तियां और मैं हूं भगवान, मैं हूं ज्ञानवान, तुम हो भक्तियां भक्ति करने वाले, तो मैं तुम तो बुलाया है ना, मुझे पावन बना के क्या करो, पावन बना करके साथ में ले चलो, तो मैं आया हूं, तुम सब बच्चों को साथ में ले ही जाएंगे, फिर उस समय में साथ में ले जाएंगे ना, तो जाएंगे तो सही ना, हैं? भले सजा खाने के लिए कुछ तुमको साक्षात्कार होते हैं और साक्षात्कार से ही तुम सजा खाते हो, जिसको फिर कायदे अनुसार ट्रिब्यूनल भी होती है, एक एक मोर ध्वज ताम्र ध्वज और क्या क्या, उसका भी एक किताब है ना, जिसमें सजाओं का लिखा हुआ है। तो ये सभी बाप आकर के समझाते हैं बच्चों को, बातें सुनाते रहेंगे, फिर बीच में कहेंगे हे बच्चों मामे कम याद करो, अर्थात मन मना भव कि बाप को याद करेंगे तो वर्षा तुमको जरूर याद पड़ेगा, मध्याजी भव कहने की कोई दरकार नहीं है, परंतु नहीं फिर भी शास्त्रवादियों ने लिख दिया है, नहीं तो बाप कहते हैं मध्याजि भव लिखने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि मन मना भव भगवान को याद करो, तो विश्व की तो बादशाही मिलनी है ना तुमको, बाकी तो ये जानते हो कि विश्व की बादशाही मिलती है तो जरूर उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करना होता है, तो कौन सा पुरुषार्थ करता होगा, यही याद रखना और औरों को भी आप समान बनाना और बाप को याद करना है, तहां तक याद करना कि पावन बन जावे, और तो कोई तकलीफ नहीं है ना, इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुमको तकलीफ कुछ नहीं देता हूं। बाबा बोलते हैं मैं जानता हूं तुमने बहुत तकलीफें देखी, ये सजाएं पाप गर्भ में सजाएं, तुमने बहुत बहुत दुखी हुए, दुखी होते 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 जा करके तमो प्रधान बने हो, अभी तुमको थोड़े ही मैं तकलीफ देऊंगा, नहीं तकलीफ तो तुमने बहुत से, भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ होती है, आय भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है, रोना पीटना या हुसैन करना, देखो तुम्हें याद करो कितनी करती थी बुढ़ी बुढ़िया, अरे बुढ़िया जब पति मरते थे तो क्या करते थे,
हसर की मांसपेशी के या हुसैन कितना करती थी, 12 महीना करती रहती, कितना रोती हो, क्योंकि स्त्री का रोना होता है ना, तो दूसरे भी कोई को रोना आ जावे, इन्हें कहा ऐसा वो रोना होता है तीखा। तो देखो है कितना तुम बच्चों ने ये खूब दुख उठाया है, पुरुषों को भी। वो जब मर जाती है तो क्या होता है, बच्चा मरा, ये मरा, वो मरा, तो ये सारी चरिए भी होती जाती है। 4/12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज दूसरी लाइन, माइयां चरी भी हो जाती हैं, है ऐसी पागल हो जाती हैं, बाबा का बहुत देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये दुख देखे है ना, तो बोलता है तुमको और कोई दुख हम थोड़े ही देना, देने का है बस, मैं आकर के पहचान दे देता हूं। तो ये मन मना भव है, और मुझे याद करते जाओ और स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो दैवी गुण तो धारण करेंगे ही, करेंगे ना बच्चे, क्योंकि देखो स्वर्ग के मालिक है तो दैवी गुण है, उन देवताओं के दैवी गुण होते हैं। तो देखो कृष्ण को, इनको जो भी देवताएं हैं साथ में है, वास्तव में इनको ही यही यही देवताएं हैं, 16 कला संपूर्ण, जो वो जो शनिवार है ना, अब उनको शनिचर देवता को कोई देवता थोड़े ही कहा जाता है, परंतु नहीं, सतयुग त्रेता में दोनों धर्म मैं ही स्थापन करता हूं है, वो नापास होते हैं तभी उनको क्षत्रिय कहा जाता है, कहा जाता है, पर युद्ध का मैदान वहां थोड़े ही है कि बंदूक है, तीर है, तलवार हो, नहीं। तो देखो वो निशानी भी रंग दे दी है, वहां तो हथियार वो दिखाते हैं, लड़ाई के मैदान में पलटन एकदम खड़ी हुई है, बंदूकें लगी हुई पड़ी है, परंतु नहीं। फिर भला भाई ऐसी बात थी क्या है, तो ये रामचंद्र को तीर कमान क्यों दे दिया, तो वो तो अर्थ ही नहीं निकलता है त्रेता में तीर कमान देने का। फिर उनमें भी ये भूल की है, तो बाप समझाते हैं कि वो नापास हुए हैं इसलिए वो क्षत्रिय बने, कि ज्ञान मार्ग में आकर के पूरे नहीं बने हैं तभी तो क्षत्रिय बने हैं। तो राम राज्य में भी तो बहुतों को ज्ञान है ना, है देवता बच्चों की होती है शुद्ध रात दिन कि हम सब लक्ष्मी और नारायण बने, तो ये भी तो समझ की बात है ना, बाकी बनी तो जरूर है, पुरुषार्थ बच्चों को इतना जरूर करना चाहिए। बाप आफरीन भी देते हैं, देखो जब कोई सर्विस अच्छी करते हैं लिखते हैं और फलाने को हमने ज्ञान दिया, तुम दी थी वो चिट्ठी, वो एक किसी ने कहा बनारसन, हाँ हाँ किसी ने कहा रात को दी थी, अच्छा तो देखो कितने कितने उनके फॉलोअर्स हैं, क्या सुनते हैं, बुद्धि अंदर शाह दी
आत्मा शादी होती है, शादी देती है कि ये कुछ न कुछ ठीक बोलते हैं, परंतु वो जो हट है ना पुराना, अगर वो हट छोड़ देवे, बोले ये ठीक है, तो उनको बोले अरे नहीं ये तो तुम मन मना बाप को याद करो तभी तुमको वर्षा मिलेगा ना। तो झट सबको मालूम है कि ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है, झट उनको बोलेगा इनको ब्रह्मा कुमारियों का वो हो गया है जादू, ये स्त्री देख करके इनकी बुद्धि खलास हो गई है उनको, है ना, तो उनको भगा देंगे, है ना, मानेगा नहीं उसको तो उसको भगा देंगे है, फिर दूसरे को चेले को गद्दी पे बैठाई देंगे कि ये बहुत आगे जाएगा। जब जाएंगे ना तब ये समझेंगे कि नहीं ये तो सच्चा ईश्वरीय ज्ञान है पिछाड़ी में, समझेंगे नहीं तो बच्चे कोई एक दो तीन चार फत है वो मान ले बे तो रिवोल्यूशन मच जावे एकदम, सब तुम्हारी पिछारी दौड़े, इतना दौड़ेंगे जो तुम सहन नहीं कर सको, समझे, ये सब पगले लोग हैं और गुस्सा आवे एकदम कान का। जैसे कोई आते हैं ना बाहर से तो उनकी मुलाकात होती है दो दो तीन तीन माइल ढेर आदमी खड़े हो जाते हैं, जैसे मेडसेप्स, अभी तो तुम ऐसे ही समझेंगे ना, तमो प्रधान बिल्कुल ही, और इनके पिछाड़ी ये मनुष्य क्या बैठ करके करते हैं। तो तमो प्रधान बुद्धि है, राजाई भी तमो प्रधान बुद्धि की, तो फिर उनकी ऐसे होती है भाई टोली लाओ ओम शांति।